नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। इंदौरिया टाइम्स के लिए आज का दिन निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्व इंदौरिया टाइम्स की स्थापना हुई और एक अच्छी बात यह है कि उस स्थापना दिवस के दिन भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया हमारे बीच थी और आज हमारे बीच स्टूडियो में पधारे हैं मिस्टर राम कुमार जी कुशवाहा साहब, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली हैं। और आपके कार्यकाल की तो यदि मैं बात करने लगूंगा तो आप जितना समय आपने निकाला है मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाएगा। सबसे पहले मैं माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कि आप स्टूडियो में पधारे हैं। मैं अपनी समीक्षा करने के दौर में ही ये कहूंगा कि मेरे 2 साल आज पूर्ण हुए हैं और आपने विभिन्न बड़ी मेट्रो सिटीज में भी अपनी सेवाएं दी हैं, मीडिया की कार्यशैली को भी आपने देखा है। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपको मीडिया से होती हैं, कहां आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है या क्या कुछ हम आपसी तालमेल से पब्लिक को बेहतर दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इंदौरिया टाइम्स के 2 साल पूर्ण होने पर बधाई देता हूं और आपने मुझे यहां पे बुलाया है, इतना मान सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मीडिया की बात है, यहाँ पे कोटपुतली में पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है और मैंने लास्ट 2 ईयर से देखा है कि अच्छे से जो घटनाएं हो रही है उनकी रिपोर्टिंग पॉजिटिवली की जाती है, बिना निर्भीक जैसे तरीके से यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है और जहाँ कहीं पे भी पत्रकार वर्ग का सहयोग की हमें जरूरत होती है वहाँ पे हमें पूर्णतः सहयोग दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब तक प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगी तब तक एक सही व्यू आम जन के सामने नहीं जा पाता है। तो मैं इस माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो प्रेस है वो इसी तरह से निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से जो मुद्दे हैं उनको उठाए, चाहे वो पुलिस संबंधित हो, प्रशासन संबंधित हो, अन्य किसी कई मुद्दे हों, उनमें निश्चित रूप से आलोचनात्मक और व्यंगात्मक और अगर अच्छा काम किया तो तारीफ भी होनी चाहिए, सब तरह से आपको इसमें करना चाहिए जिससे कि एक सही स्थिति आमजन को मिल सके और आमजन एक सही सोच के साथ और सही समझ के साथ प्रत्येक चीज को समझ सके। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल लिविंग के साथ आप मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब आप वर्दी में होते हैं, मोर्चे पे होते हैं, तो फिर चाहे वो गुजर आरक्षण हो, चाहे कोई जाम का मामला हो, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्रिमिनल मामला क्यों ना हो, आपके 2 साल के कार्यकाल के अंतर्गत भी जो बड़े बड़े मामले खुले और जिस तरह से पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई की गई, माननीय पुलिस अधीक्षक साहब के द्वारा भी और ऊपरी लेवल पे भी जिस तरह से यहाँ के जवानों को जिस तरह से हौसला अफजाई मिली है वो भी काबिले तारीफ है। जो 4P फॉर्मूला है, पुलिस, प्रेस, पब्लिक और प्रशासन वाली जो चीज है, ये कोऑर्डिनेशन जब तक किसी शहर में नहीं होगा तब तक वो शहर डेवलप नहीं हो सकता। जैसा कि आपने कहा कि मीडिया का सहयोग आपको मिला है तो हम भी ये मानते हैं कि मीडिया को सम्मान भी आपके जरिए मिला है, यथास्थान मिला है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रहती है कि एक अंडरस्टैंडिंग के अभाव में कई बार कुछ चीजें ना चाहते हुए सुर्खियां बन जाती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, ऐसा है, मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा जिस तरह का है हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी उसी तरह से उनको बताएं, छुपाने की कोशिश नहीं करें और प्रेस भी उसको उसी वे में बिना किसी अपने नफा नुकसान देखे बिना उसको आम जन के सामने लेके जाए जिससे क्या है एक सही स्थिति आम जन को पता चल सके। जैसे आपने गुर्जर आंदोलन की बात की, वो भी हमारे साथी हैं, वो भी एक मुद्दे के ऊपर अपना अगर आंदोलन कर रहे हैं तो जहां तक उनके कुछ इश्यूज की बात है तो वहां पर हम लोग आपस में आमने सामने थे, अदरवाइज बिल्कुल उनके द्वारा जो एक सब प्रेम प्यार है, बाद में कभी वो काम के लिए या अन्य किसी पुलिस से संबंधित कोई समस्या लेके आते हैं तो वो सब हम लोग सब एक हैं, आम जन के साथ ही हम, आम जन का ही हम एक पार्ट हैं और हम उनके साथ ही मिलके जब तक आम जन का सहयोग पुलिस प्रशासन को नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रेस का जहां तक बात है कि प्रेस आम जन के साथ मिलके जो उनके व्यूज है वो हमारे तक आता है, लेके आती है और हमारे जो व्यूज है, हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारी जो सोच है, समझ है, हमारी जो कार्रवाई है या हमारे जो भविष्य की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाई जाती है जिससे एक कड़ी जो है प्रेस जो आम जन और प्रशासन पुलिस के बीच में करती है। तो मैं मानता हूं कि अगर सही तरह से अगर प्रेस निर्भीक होकर सही तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, कर रही है और सब लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि
बहुत अच्छे से सबका सहयोग मिलके एक अच्छा प्रशासन हम दे सकते हैं। और मैं मानता हूं कि यहाँ की जो प्रेस का मैंने देखा है, जब जब भी हमें जरूरत पड़ी है तब तक अच्छा सहयोग मिला है। इसके लिए मैं सभी को, जितने भी प्रेस से जुड़े लोग हैं, सबको मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति इस समय इंदौरिया टाइम्स से जुड़ा है, आवाम जो इस समय मुखातिब है, उनको मैं एक ही मैसेज करना चाहूंगा कि स्थानीय प्रशासन जो इस समय है, चाहे वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यवीर यादव रहे हो, चाहे एएसपी हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय रामकुमार जी कुशवाहा रहे हो, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव रहे हो, एसडीएम साहिबा सुनीता मीना रही हो, या फिर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो भी रहे हो, इस समय जो प्रशासन की जो कोऑर्डिनेशन है, जो टीम है, वो बहुत ही अच्छी है। और निसंदेह यदि हम नागरिक लोग भी आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करें, चाहे वो समस्या जाम की रही हो, चाहे किसी और चीज की भी रही हो, तो कहीं ना कहीं हमें आपसी समझ और सहयोग की भावना से आगे चलना चाहिए, जैसा कि अभी आपकी भी ऐसी मान्यता रही है। चूंकि कोविड का दौर चल रहा है, एडवाइजरी जारी है, और शादी विवाह का उत्सव भी है और निकाय चुनाव भी है, तीन चीजें एक साथ हैं, तो पब्लिक की क्राउड जो है वो रोड पर है। क्या मैसेज आप करना चाहेंगे कि हम लोग एक सुरक्षित माहौल में जीवन यापन कर सकें? देखो, ऐसा है, कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सभी लोग जिस तरह से लापरवाह हो रखे हैं, और दूसरी तरफ अपने बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी जो डेथ की बात सुनते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये रियल में एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है, जिसमें एक ही चीज का, इसका एक इलाज है कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी जा रही है उनको फॉलो करें। क्योंकि अब शादियों का टाइम है, 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग होना चाहिए। तो काफी शादियों का भ्रमण करके हमने देखा है प्रशासन के अधिकारी और हम पुलिस के अधिकारियों ने, तो निश्चित रूप से वहां पे पालना की जा रही है, परंतु फिर भी थोड़ा और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और आने वाले चुनाव, जो अभी नगर पालिका चुनाव है कोटपुतली में, शाहपुरा में, विराटनगर में, तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे भी शहर में प्रचार प्रसार के दौरान भीड़ रहेगी, तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग की, 2 गज दूरी, मास्क सैनिटाइजर सबका यूज करके प्रचार प्रसार करें, और चुनाव में भी जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उनकी पालना करते हुए अच्छे से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाएं, और सभी शादियों में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो प्रशासन द्वारा, इसके लिए आप सभी लोग गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। और मैं सबको इसी के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आवाम से मुखातिब हुए, उन्हें उनके मंगल की कामना की, और जारी एडवाइजरी के जरिए उन्हें आश्वस्त किया कि यदि हमारा कोऑर्डिनेशन इसी तरह से बना रहेगा तो कोटपुतली परिक्षेत्र हमेशा से सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकेगा। आपका बहुत बहुत